देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। निगम आयुक्त द्वारा भंवर कुआं चौराहे से विजय नगर चौराहे तक संयुक्त स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार सुबह ए बी रोड का निरीक्षण किया गया। इंदौर नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा निगम के स्वास्थ्य विभाग, जन कार्य विभाग, विद्युत विभाग, उद्यान विभाग के माध्यम से यह निरीक्षण किया गया, जहां निगम कमिश्नर तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ शहर के देवास नाका, महिंद्रा शोरूम, सत्य साई चौराहा, रसोमा चौराहा, दैनिक भास्कर चौराहा, LIG चौराहा, इंडस्ट्री हाउस चौराहा, पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा, MY चौराहा, GPO चौराहा, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, नवलखा चौराहा, भंवरकुआं चौराहा, भोलाराम उस्ताद मार्ग चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक उपरोक्त मार्ग के व्यवसायिक क्षेत्रों में संयुक्त स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निगम के आयुक्त ने अधिकारी को कई तरह के संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। पोस्ट मॉनसून जो निगम की सफाई व्यवस्था रहती है बस मॉनसून के बाद कई सारी चीज़ें हम लोग की बनी होती है, खासकर ट्रीट करने को ग्रीन वेस्ट और बाकी जो फुटपाथ रहता है उनकी किनारे किनारे बहुत झाड़ियाँ उग जाती है जिससे लोगों को जल्दी करने में दिक्कत होती है और उसकी सफाई करने में भी टीम को दिक्कत होती है। इसी तरीके से मॉनसून के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत प्रभावित हो जाती है, तो इन सभी का एक डेस्टिफिकेशन हम लोगों ने ड्राइव के तौर पर लिया है और इसमें सबसे पहला जो रोड है जो अपना मेजर रोड है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, चाहे वो उसमें रोड्स को रिपेयर करना ठीक करना हो, हालांकि रोड के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम थोड़ा डिले होगा क्योंकि अभी भी बारिश में हो रही है। इसके अलावा जो फुटपाथ मेंटेनेंस है, लाइट मेंटेनेंस है, ग्रीन बेल्ट, इन सभी चीज़ों की साफ सफाई एंड टू एंड आज हम लोगों ने की हुई है, तो पूरे जितने भी DRTS के जोन्स हैं सभी जोन्स की पूरी टीम्स लगी हुई हैं, उद्यान की टीम है, रिमोट की टीम है, सफाई की और विद्युत की टीम काम कर रही है। तो उद्देश्य यही है कि मॉनसून के बाद जल्दी से ये काम करके और जो शहर है वो वापस से पोस्ट मॉनसून के व्यवस्थित आ जाए। ये मेजर रोड्स के बाद हम लोग ये रहवासी क्षेत्रों की ड्राइव कराएंगे क्योंकि रहवासी क्षेत्रों में कई जगह गार्डन्स के कई जगह जो ओपन प्लॉट्स होते हैं खासकर उनसे रहवासियों की कहा जाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा घास और झाड़ियाँ उग जाती हैं, असुविधा होती है जिससे उसको भी हम लोगों ने देखा। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।